आपको शायद पता नहीं होगा पर अभी इंडिया में एक वॉर चल रही है। ये वॉर ना ही बॉर्डर के बारे में, ना ऑयल के बारे में और ना ही वेपन्स के बारे में। ये वॉर है कोटा के टीचर्स के बारे में। ये है मोहित भार्गव जो कोटा में वन ऑफ द मोस्ट फेमस फिजिक्स टीचर है। 14 साल से वो एलन करियर इंस्टीट्यूट में काम कर रहे थे, कोटा का सबसे बड़ा कोचिंग सेंटर। पर पिछले महीने एक मेजर चेंज आया उनकी जिंदगी में। उन्होंने अन अकेडमी ज्वाइन कर ली और रिपोर्टेडली उनको एनुअल सैलरी पैकेज मिला 20 करोड़ रुपए का। हाँ, आपने सही सुना, 20 करोड़ रुपए, जो ऑलमोस्ट 20 गुना ज्यादा है कोटा के टॉप टीचर्स के कंपैरिजन से। और मोहित भार्गव अकेले नहीं थे। नवीन महेश्वरी जो डायरेक्टर है एलन के, उन्होंने मिंट को एक इंटरव्यू में बताया कि रिसेंटली 40 टीचर्स उनके इंस्टीट्यूट को छोड़ के चले गए हैं। बंसल क्लासेस के समीर बंसल ने कहा कि कोटा अपने D2 के लिए माना जाता है, धक्का और धोखा। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोहित भार्गव ने एलन के साथ धोखा किया, पर दूसरे लोगों का कहना है ये कोई धोखा नहीं है बल्कि ये इंडस्ट्री का एक बहुत अहम भाग है। अगर हम जैसे लोग अपनी कंपनी बदल सकते हैं तो मोहित भार्गव क्यों नहीं। इंटरेस्टिंग चीज है कि रीसेंट कोटा की इस लड़ाई को उन लोगों ने स्टार्ट किया था जो एक टाइम पर यूट्यूब टीचर्स थे, और अब यही टीचर्स बड़ी बड़ी कंपनीज चला रहे हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए रेज करे इन्वेस्टर्स से और कोटा की इस इंडस्ट्री को बदल रहे हैं। पर इससे फायदा किसका हो रहा है, स्टूडेंट्स का, जानेंगे इस वीडियो में। अगर सिर्फ 90% वाले बच्चे भी IIT के एग्जाम दें तो भी 99% बच्चों का नहीं होगा। मैं अपने कमजोर स्टूडेंट्स का हाथ कभी नहीं छोड़ता। विद द फ्रेश फंड्स रेज, फिजिक्स वाला इज नाउ वैल्यूड एट $1.1 बिलियन। जयपुर से करीब 4.5 घंटा दूर कोटा एक छोटा सा शहर है राजस्थान में, और ये IIT कोचिंग इंडस्ट्री का कैपिटल है इंडिया में। हर साल करीब 2 लाख स्टूडेंट्स कोटा आते हैं और उनका बस एक मिशन होता है, IIT JEE एग्जाम को क्रैक करना। इस शहर में हर चीज बस इन एग्जाम्स के बारे में है। मिंट ने अपने आर्टिकल में बताया कि जैसे ही इन स्टूडेंट्स की जर्नी अपने घर से कोटा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर खत्म होती है, तब से ही कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। कोटा के डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स ने उधर के रिक्शे वालों के साथ टाई अप कर लिया है। अगर एक रिक्शा वाला एक स्टूडेंट को उनके सेंटर तक लेकर आता है तो उनको 500 रुपए दिए जाते हैं, और अगर वो स्टूडेंट उस सेंटर में एडमिशन ले लेता है तो रिक्शे वाले को 3000 रुपए दिए जाते हैं। स्टूडेंट्स की क्लासेस सुबह सुबह 6:30 बजे स्टार्ट हो जाती हैं, और जो हॉस्टल मैनेजर्स हैं वो स्टूडेंट्स के फ्रेंड भी हैं, पेरेंट भी है और मोटिवेशनल कोच भी। एक स्टूडेंट ने बताया कि कैसे उनके हॉस्टल मैनेजर को हर स्टूडेंट के बारे में पता होता है, वो उनको गाइड करते हैं और कई बार संडे को एक मूवी देखने के लिए भी कहते हैं ताकि उनका दिमाग फ्रेश रहे। ये सिस्टम कई सालों से चले आ रहा है। इस समय कोटा में 10 मेजर कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिसमें से एलन करियर सबसे बड़ा है। पर ऐसा हर समय था नहीं। एक जमाना था जब बंसल क्लासेस कोटा का लार्जेस्ट इंस्टीट्यूट था। बंसल क्लासेस पहला इंस्टीट्यूट था जो कोटा में सेटअप हुआ था, जिसको क्रिएट किया गया था विनोद कुमार बंसल ने। उनका स्टार्टिंग से ही पैशन था बच्चों को पढ़ाने का। 1983 में वो बच्चों को अपने घर में पढ़ाते थे, पर उनके लिए टर्निंग पॉइंट आया 1985 में जब उनके एक स्टूडेंट ने IIT क्रैक कर लिया। उसके बाद इस चीज की न्यूज हर जगह फैलने लग गई और फिर आसपास के बच्चों ने भी उनके ट्यूशन सेंटर में एडमिशन ले लिया। करीब 20 साल के लिए बंसल क्लासेस कोटा के किंग थे। फिर ये चेंज हुआ 2010 में। और ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि कई टीचर्स बंसल क्लासेस को छोड़ने लग गए और दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने लग गए, और ये एक बहुत बड़ी चीज थी क्योंकि जो कोटा में स्टूडेंट्स है वो एक्चुअली कोचिंग इंस्टीट्यूट के पीछे नहीं भाग रहे बल्कि वो स्पेसिफिक टीचर्स के पीछे भाग रहे हैं। ऐसे एक स्टूडेंट ने एक इंटरव्यू में बताया कि कैसे उनके लिए टीचर ही ब्रांड है। जैसे फिजिक्स में उनके लिए राहुल यादव सर है, और जहां वो सर जाएंगे उधर स्टूडेंट जाएंगे। इसीलिए कोटा में लड़ाई टीचर्स के बारे में है। टीचर्स उधर सबसे बड़ी ब्रांड है, और इसी वजह से फिजिक्स वाला और अमन धत्तरवाल अपनी ब्रांड को बढ़ा पाए हैं। करियर पॉइंट और रेजोनेंस जो अब बहुत बड़े प्लेयर्स बन गए कोटा में, उनको भी बंसल क्लासेस के एक्स टीचर्स ने ही स्टार्ट किया था, और एलन ने भी यही चीज करी। अब ये सिलसिला चलता रहा, पर कुछ टाइम बाद एक और मेजर चेंज हुआ कोटा की इंडस्ट्री में, और इस चीज के लिए जिम्मेदार थी एक कंपनी कैलिफोर्निया से, यूट्यूब। 2014 में अलक पांडे जो एक IIT ड्रॉपआउट थे, उन्होंने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया IIT और नीट स्टूडेंट्स को फिजिक्स पढ़ाने के लिए। एक साल बाद रोमन सैनी और गौरव मुंजाल ने भी अपना चैनल स्टार्ट किया स्टूडेंट्स को UPSC जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए। फिर कुछ सालों में ये यूट्यूब चैनल्स इंडिया की बहुत बड़ी एजुकेशन स्टार्टअप्स बन गए।
पर इन कंपनीज का एक डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ा कोटा पर इमीडिएटली। एलन तब भी उधर एक किंग था। इनफैक्ट 2019 में उन्होंने एक लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए भी अप्लाई किया था, जब उन्होंने एक साल में करीब 1,00,000 स्टूडेंट्स एनरोल करे थे। पर ये चेंज होने वाला था 2020 में। आज रात 12 बजे संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग लॉकडाउन की वजह से लोगों को ऑनलाइन एजुकेशन की जरूरत थी, और ये स्टार्टअप्स जिनके पास टेक्नोलॉजी की एक्सपर्टीज थी वो बेटर प्रिपेयर्ड थी लोगों को ऑनलाइन एजुकेशन देने के लिए। जैसे उनकी एनरोलमेंट बढ़ी वैसे ही इन स्टार्टअप्स को और फंडिंग भी मिली। पर ऑनलाइन एजुकेशन में जो ग्रोथ थी वो परमानेंट नहीं थी। जैसे ही कोविड थमा वैसे ही ऑफलाइन एजुकेशन वापस स्टार्ट हो गए। अब ऑफलाइन एजुकेशन में जो ट्रेडिशनल कोचिंग इंस्टीट्यूट थे उनके पास थोड़ी एडवांटेज थी इन स्टार्टअप्स के कंपैरिजन से। पहला कि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऐसी कस्टमाइजेशन दे सकते थे अपने स्टूडेंट्स को जो कई स्टार्टअप्स नहीं दे सकती थी। जैसे अगर क्लास 11th की स्टूडेंट अपने लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाती है तब उनसे पूछा जाता है कि आज स्कूल में आपको क्या पढ़ाया, ताकि कोचिंग और स्कूल के बीच तालमेल बना रहे। पर ऑनलाइन कोचिंग में ये करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि कई स्टार्टअप्स स्टैंडर्डाइज्ड कोर्सेज ऑफर करती हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों ऑनलाइन एजुकेशन से तंग भी आ गए थे। बहुत कम ही लोग होंगे जो पूरे दिन जूम पर बैठे रह सकते हैं। तो जैसे ही कोविड थमा वैसे ही स्टूडेंट्स वापस कोटा चले गए, और अब ये शहर स्टूडेंट से वापस भर गया है। कई हॉस्टल ओनर्स ने बताया कि इस साल कैसे कोटा में करीब 3,00,000 स्टूडेंट्स आ सकते हैं, जो ऑलमोस्ट डबल है 2019 के कंपैरिजन से। मोहित भार्गव ने एक इंटरव्यू में बताया कि कैसे उन्होंने 15 साल में ऐसा कभी नहीं देखा। और क्योंकि उधर 3,00,000 स्टूडेंट्स है उसका मतलब है कि पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटी भी उतनी ही बड़ी है। जो कंपटीशन हमें देखने को मिल रहा है एलन और नई एडटेक स्टार्टअप्स के बीच, ये एक ऐसी चीज है जो सारे सक्सेसफुल बिजनेसेस को डील करनी ही करनी पड़ती है, चाहे इंडिया में या फिर दूसरे देश में। एक सक्सेसफुल कंपनी वही होती है जो अपने कंपटीशन को हरा पाती है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट की बात करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट को IBM, ओरेकल और अब एप्पल से कम्पीट करना पड़ा है। और अगर आप माइक्रोसॉफ्ट की सक्सेस स्टोरी के बारे में और जानना चाहते हैं तो मैं आपको स्ट्रॉन्गली रेकमेंड करूंगा ये ऑडियो बुक, जिसको आप सुन सकते हैं कुकू FM ऐप पर, जिन्होंने इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है। इस ऑडियो बुक के अलावा आपको कई और ऑडियो बुक्स और पॉडकास्ट मिल जाएंगे कुकू FM ऐप पर कई इंडियन लैंग्वेजेस में। कुकू FM ऐप आपके और आपकी फैमिली के लिए नॉलेज को एक्सेसिबल बना देती है, जिससे आप कोई भी बुक बहुत जल्दी भी पढ़ सकते हैं और बहुत कम दाम पर। जल्दी इसलिए आप पढ़ सकते हैं क्योंकि ये ऑडियो बुक्स है, इसलिए आपको ज्यादा समय नहीं लगाना पड़ता एक बुक को समझने में। और अगर इसकी कॉस्ट की बात करें तो कुकू FM का एनुअल प्लान बस 399 rupees का है। एक फिजिकल किताब की कॉस्ट से भी कम है। और क्योंकि वो इस वीडियो को स्पॉन्सर करें तो आपके लिए 50% डिस्काउंट भी है अगर आप मोहक 50 कूपन कोड यूज करोगे, पर ये पहले 250 यूजर्स के लिए है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, डू चेक इट आउट। और अब आते हैं वीडियो पर वापस। नितिन विजय जो CEO है मोशन क्लासेस के, उन्होंने कहा कि कोटा में एक एवरेज स्टूडेंट 1,50,000 rupees देता है एक साल के लिए। तो अगर उधर 3,00,000 स्टूडेंट्स है, जिसका मतलब है कि कोटा मार्केट की टोटल वैल्यू है 5,000 crore rupees। और कुछ लोग का मानना है कि फ्यूचर में और बच्चे कोटा आएंगे, जिसका मतलब है और बड़ी मार्केट। इसीलिए अनअकैडमी और फिजिक्स वाला जो पहले बस ऑनलाइन एजुकेशन कर रहे थे, अब कोटा की ऑफलाइन एजुकेशन में भी इंटरेस्टेड हैं। और इस चीज में वो कम्पीट कर रहे हैं एलन के साथ उनके टीचर्स को अट्रैक्टिव ऑफर्स देके। वही चीज जो 10 साल पहले एलन ने बंसल क्लासेस के साथ करी थी। पर पहले कुछ हद तक जो एलन और बंसल के बीच में कॉम्पिटिशन था वो इक्वल प्लेयर्स के बीच में था, पर अब ऐसा नहीं है। पहली चीज है कि इन स्टार्टअप्स के पास कुछ एडवांटेज है, क्योंकि कोटा में एजुकेशन 100% ऑफलाइन ही होगी, हाइब्रिड होगी, और एलन का भी यही मानना है। और इन स्टार्टअप्स की टेक एक्सपर्टीज की वजह से वो इस हाइब्रिड एनवायरनमेंट को अच्छी तरह यूज कर सकती हैं। और दूसरी चीज है कि इन स्टार्टअप्स ने बहुत ज्यादा पैसा रेज किया इन्वेस्टर्स से। अनअकैडमी की वैल्यूएशन करीब 23,000 crore है, फिजिक्स वाला की करीब 8,500 crore और एलन की करीब 1,600 crore। इस फंडिंग को यूज करके ही वो कई टीचर्स को अट्रैक्टिव ऑफर्स दे पाते हैं। इनके साथ कम्पीट करने के लिए एलन ने अपनी 36% इक्विटी भी बेच दी, जो उन्होंने पहली बार किया अपनी कंपनी की हिस्ट्री में। इसके अलावा वो अपनी टीचर्स की सैलरी भी बढ़ा रहे हैं उनको रिटेन करने के लिए। अब इस पूरी चीज में हमने एक इम्पॉर्टेंट चीज के बारे में तो बात करी नहीं कि इस पूरी वॉर से क्या स्टूडेंट्स का फायदा होगा। अब इस चीज से हो सकता है कि ट्यूशन की कॉस्ट तो घट सकती है। जैसे फिजिक्स वाला ने कहा है कि उनके कोटा के ऑफलाइन सेंटर में कोर्सेज का दाम होगा 35,000 rupees, जबकि एलन के कोर्सेज का दाम 1,00,000 से भी ज्यादा है। पर क्या ऐसे स्टूडेंट्स की रियल प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएंगी, क्योंकि ये सारी कंपनीज इन स्टूडेंट्स के लिए कम्पीट कर रही हैं कि अगर स्टूडेंट्स उनके कोर्स लेंगे तो उनके IIT और दूसरे प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में घुसना आसान हो जाएगा।
पर प्रॉब्लम ये है कि जहाँ और नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेने के लिए, वहीं जो नंबर ऑफ सीट्स है इंडिया के कॉलेजेस में वो इतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं कर रही है, जिसका मतलब है कि इन स्टूडेंट्स के बीच कॉम्पिटिशन और बढ़ जाएगा। इसका मतलब है और स्ट्रेस और डिप्रेशन। 4 घंटे में 3 सवाल नहीं हो रहे मुझसे और ये लेके जाऊंगा, बेइज्जती और होगी। लास्ट 10 सालों में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो नीट के लिए अपीयर कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गए हैं, जिसकी वजह से सिलेक्शन रेट 7.8 से 5% बढ़ गई है। ऐसी चीज़ हमें यूपीएससी एग्जाम में भी देखने को मिली है। वहीं जहाँ आईआईटी की सिलेक्शन रेट ज़रूर थोड़ी बढ़ी है, पर ये रेट अभी भी 2% से कम है। अब अगर आप टीचर्स की नज़र से देखोगे तो यूनेस्को की 2020 की रिपोर्ट कहती है कि करीब 42% टीचर्स अंडर पेड है। कम से कम इन प्राइवेट कंपनीज की वजह से टीचर्स को तो पैसा मिलेगा, पर स्टूडेंट को फायदा होगा या नहीं ये क्लियर नहीं है। कोटा में 5 में से 1 स्टूडेंट ही क्वालिफाई कर पाता है आईआईटी के लिए, जो 4 बच गए उनका क्या होगा। जो धोखा है वो तो हो रहा है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बीच, पर जो धक्का है उसका तो स्टूडेंट्स को ही झेलना पड़ेगा। अगर आप वीडियो के इधर तक आ गए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन भी दबाएं, हमारा बिजनेस उसी से चलता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा कोटा के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बिजनेस के बारे में, तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा जहां हम बात करते हैं कि न्यूज वेबसाइट्स अपने बिजनेस के लिए मलाइका अरोड़ा और नोरा फतेही के कपड़ों के बारे में क्यों बात करते हैं।